बैरल गई थी प्राइवेट मीटिंग में गई सामने खड़ा कर दिया तुम लोगों ने मुझे गेट में बैठ ये प्रोग्राम सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा और ये प्रोग्राम 6 बजे शाम को खत्म होगा। इसी में इतने सारे डॉक्टर थे जो इस चीज को एक ही दिन पे अपन वी कैन फिनिश द प्रोग्राम। मुझे कैसा लगा नहीं, एक्चुअली सबको करना चाहिए बिकॉज इंडस्ट्री में आप बहुत ही ज़्यादा ग्लैमर में रहते हैं, अलग चीज़ें करते रहते हैं, वो थोड़ा अलग लेवल पे रहता है, लेकिन कुछ आपको सोसाइटी के लिए भी रहना चाहिए ताकि आप चाहे NGO हो या फिर ऐसे जो भी कैंप लगते हैं, हेल्थ कैंप रखते हैं, उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए तो अच्छा फीलिंग रहता है और सभी करते हैं। मोस्टली आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, तो मैंने भी, मैं जब बनी हूँ मुझे 1 महीना हुआ है तो मैंने सोचा मुझे भी स्टार्टिंग कर देना चाहिए। इस कैंपेन में आप भी मौजूद रहेंगे वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगी। अर्शी जी, अभी बीच में अफवाह उड़ी थी आप प्रभा से काम करने वाले हो, प्रभास ने कुछ जवाब नहीं दिया और मैंने, मेरी हैदराबाद के अंदर ये बात भी हुई है, लेकिन मेरा हमेशा से मैंने एक ही चीज़ बोली है कि मेरा फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं बोलूँगी। और रहा सवाल प्रभास ने, प्रभास के पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्टेटमेंट देगा। मैं साउथ में मूवीज़ करूँगी, मैंने ऑलरेडी बोल कर रखा है। नॉर्थ में तो ऑलरेडी कलर्स, मैंने बोला मेरा मायका है, वो तो मुझे ऑलरेडी शोज देंगे रियलिटी। बाकी जो साउथ में है वो मैं ज़रूर करूँगी। तो कलर्स की आप बात कर रहे हैं, कुछ आपके पास कुछ हिंट्स आ रहे हैं कि आप किस तरह के शो करने वाले हैं कलर्स के एसोसिएशन में? देखिए, मेरी उन लोगों से बात हुई है, लेकिन वो लोग मुझे बेस्ट टू बेस्ट देंगे, ऐसा नहीं है कि वो मुझे साइड के जो लोग कर देते हैं, कैरेक्टर्स हो जाते हैं, ये सब वो मुझे नहीं दे सकते, बिकॉज मैं कलर्स के अंदर अभी इंडिया मॉल के अंदर फर्स्ट रैंक पर चल रही हूँ,
कि उनका जो एक मतलब आर्टिस्ट है उसने इंडिया के अंदर जब सेकंड नंबर पोजीशन हासिल की गूगल पे, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो मुझे बेस्ट टू बेस्ट देंगे। जैसे कि बात करें तो शिल्पा भी बिग बॉस होस्ट करने वाली है मराठी में। नहीं, रितेश देशमुख कर रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरें आई थी, सो आप क्या कहते हैं उस पे? वो होस्ट करें या फिर बिग बॉस में जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सो आप किस इस कैंपेन से, मैं जानना चाहूंगा किस तरह जुड़ी, किस तरह रिलेट करती हैं आपको, मैं नेवरा जी को बहुत पहले से जानती हूँ, 3 साल से जानती हूँ, और ऑलरेडी वो इतने सारे कैंप करते, पहले भी हम बहुत बार काम किए हैं साथ में, लेकिन तब इतना ज़्यादा लोग मुझे जानते नहीं थे। तो हर बार किया है, लेकिन इस बार जब किया है तो मेरा, मैं काम कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं नज़र में आई। तो हमेशा से हमने किया, डॉक्टर साहब हमेशा करते हैं, वो भी मेरे पहचान के हैं, तो जुड़ी तो मैं हमेशा से थी, लेकिन इस बार अच्छे से जुड़ गई। बिग बॉस के बाद आप किस किस कंटेस्टेंट से मिली? जहाँ तक देखा है तो आप विकास सभी इवेंट्स में दिखते हैं, लेकिन हिना खान नहीं दिख रही है, उनकी कुछ बातें हुई? हिना ने पहले ही बोल दिया था शो में कि वो अपनी फैमिली के साथ रहेगी, वो छुट्टी मनाएगी, उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, तो वो वही कर रही है। आफ्टर बिग बॉस आपकी सबसे बॉन्डिंग किसके साथ क्लोज है? अभी बिग बॉस और कुछ दिन हो गए हैं, सो आपकी बॉन्डिंग इस वक्त किसके साथ सबसे ज्यादा क्लोज है? आप विकास है, आकाश है, मैं जब भी इन्हें सभ्य साक्षी है, सपना है, बहुत सारे लोग हैं यार जिनसे मेरी बॉन्डिंग है, 2-3 लोगों को छोड़कर बाकी सबसे मैं मिलती हूँ और वो लोग भी मुझसे मिलते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, काफ़ी अब बिग बॉस आने का काफ़ी जगह पर आपको इन्वाइट भी आया कि इन्वाइट में, तो एक मेडिकल कैंप में जब आपको फोन आता है कि इन्वाइट आया था कि हम इस तरह के प्रोग्राम के लिए आपको, तो आपको कैसे फील लगता है, मतलब कैसे एक एनर्जी मिलती है कि हमको आज ये फंक्शन के लिए जाके वहाँ पर सही? हमने लोगों को देखा हुआ है, हमने बहुत सी चीज़ें से देखी हैं, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता और वो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, और कोई ऐसे लोग मदद भी नहीं करते हैं, तो उन लोगों की बीमारी बढ़ती जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि कुछ लोगों ने जब इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी साथ दें, और हमारी वजह से किसी का भला हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगी और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को और नेवड़ा फुटमेंट फाउंडेशन को देना चाहूंगी, क्योंकि अगर समाज में इस तरह के कार्य होते हैं तो हमारे देश की जनता को ही इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि देश अगर स्वस्थ रहेगा तो इसका विकास ज़रूर होगा, तो मैं सभी लोगों को आपको धन्यवाद दिल से देना चाहूँगी, और इस तरह का कार्यक्रम आप लोग करते रहिए, ये मेरी इच्छा है। थैंक यू सो मच। एंड रिसर्च सेंटर और भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ मुंबई डिस्ट्रिक्ट के द्वारा और दोनों मिल करके एक, जैसा कि कहा कि मुंबई भर में नहीं, मैं समझता हूँ क्योंकि हम लोग कई सालों से मेडिकल कैंप में जाते आते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा विशाल मेडिकल कैंप आज तक हमने नहीं देखा है, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक मेडिकल कैंप ये होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि पूरे देश में ये सबसे बड़ा मेडिकल कैंप होगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेडिकल कैंप में आ करके अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराएँ, और उसका जो सुविधा है वो अपने लोगों तक पहुँचाएँ। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि लोगों तक ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से जाए, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मेरा सवाल है विनोद शिलार जी को, डॉक्टर साहब को और नेता पुटमन को, ये सब हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे मीडिया के हजारों जो भाई बहनों हैं उनके लिए कोई खास स्पेशल स्कीम आपने, मेडिकल स्कीम या कोई मेडिकल ऑप्शन या कोई स्पेशल काउंटर? मीडिया के बहुत सारे लोग हैं जो उनको दिक्कतें हैं, सजेशन है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और आप सभी लोग वहाँ पर आइए, आपके लिए अलग से व्यवस्था कर देंगे। कोई RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर ने 2007 में पहली बार एक सिर्फ मीडिया के लिए एक कैंप रखा था, और उनके पूरे परिवार के लिए हमने सांता क्रूज में एक मेडिकल कैंप रहा, जिसमें सुभा राउत ने मेयर थे, उनके वो चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे, और बहुत अच्छा लाभ उन लोगों ने लिया, और मैंने बोला कि ये एक ट्रायल के
आधार पे मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर आप लोग फिर से अगर अपील देंगे तो हमारी तरफ से कोशिश रहे कि फिर हम करें। हालांकि वो बहुत छोटा था, तकरीबन कुछ नहीं तो 500 से 1000 लोगों के लिए था, बिकॉज के मीडिया वाले उनका फैमिली एक तो सब नज़दीक रहते भी नहीं हैं, तो इसलिए तकरीबन 700 से 800 लोगों के लिए किया गया था। ये हमने अपने हॉस्पिटल सरला देसाई हॉस्पिटल में रखा था। तो अगर आप लोग अगर इस तरह के ही करेंगे तो डेफिनेटली हम आप लोगों के लिए स्पेशल भी एक रखवाया जा सकता है। लेकिन इस कैंप में इन सारे लोगों के साथ में आप लोग भी अपने फैमिली के साथ आए क्या? और ऐसी तो बात नहीं है, कोई बार कास्ट ऐसे कोई रिजर्वेशन तो है नहीं, सबके लिए तकलीफ है, किसी के लिए अलग अलग चुन करके नहीं आती है, सबको आती है। और डॉक्टर भी सबको एक ही समान देखते हैं, तो जिसको अगर ज़रूरत है तो हमारे मीडिया बंधुओं से और उनके परिवार की तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये लोग भी आए और इस मेडिकल कैंप में जितनी सारे मेडिसिन आ रही है, जितने अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं, जितनी सारी सामग्री आ रही है, उसका बेनिफिट लें और वो भी स्वस्थ रहें, क्योंकि मीडिया को स्वस्थ रहना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं भी अपनी लाइफ में अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं बायोलॉजिकल मतलब स्टूडेंट रही हूं और अच्छा है। आज तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर बड़ा ग्लैमर देखा है, आपने मुझे बड़े अलग अवतारों में देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना, वैसे इन लोगों से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, डॉक्टर साहब से, नेबड़ा से, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ अच्छा काम भी कर लिया जाए अपनी ज़िंदगी में। और ये आर के एड्स रिसर्च सेंटर है, इसके अंदर कैंप हमेशा से किए गए हैं और अभी भी मैंने मतलब मुझे बताया गया कि बहुत बड़ा कैंप लगा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा विद ऑपरेशंस एंड ऑल, बहुत सारे डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और मैं जुड़ी हूँ तो और करना चाहिए। कब से जुड़ी आप इस कैंपेन से, कब आपसे बात हुई? मुझसे 10-1 दिन पहले शायद बातचीत हुई थी लोगों की और मैं अपने काम में बिजी थी और शायद फिनाले के टाइम हुई थी मेरे से बात, तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी, ज़रूर ज़रूर करूँगी। हेल्थ के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो किस तरह से फिट रहना चाहिए? यार मैं क्या डिस्क्राइब करूँ, मैं खुद ही फिट नहीं रह पा रही, कुछ खा नहीं पा रही हूँ, नहीं सिर्फ काम में बिजी हूँ, तो मेरे हिसाब से हेल्थ पे तो ध्यान देना चाहिए अपने, जूस है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ सॉरी तो वो खाना चाहिए, अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। इस दौरान आप भी वहाँ दिखोगे? डेफिनेटली मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ और मैं 11 तारीख को ज़रूर आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी। आने वाले प्रोजेक्ट्स मेरे जो भी रहेंगे, मैंने आपको अभी भी बताया कि मैं साउथ में काम करूँगी, दूसरी चीज़ ये है कि मैं गर्ल्स के साथ काम करूँगी बिकॉज मैं उनकी मेन आर्टिस्ट हूँ अभी, तो बिल्कुल ज़रूर आपको उनके चाहे रियलिटी शोज़ हों या फिर अभी मेरा एक शो आने वाला है निवेदिता बासु, उसका मतलब आप लोगों ने देखा BCL है ना जो, उसका वो आने वाला है, तो करेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। अभी बीच में काफ़ी अफवाह उड़ रही थी विकास और शिल्पा की शादी होने वाली, तो कितना सच है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विकास और शिल्पा कभी शादी नहीं करेंगे, शिल्पा ने मुझे पहले भी बोला है कि वो कभी शादी ही नहीं करेंगी शिल्पा, और विकास क्यों करेंगे उनसे शादी, उन लोगों का ऐसा ट्यूनिंग था ही नहीं, वो तो एक हंसी मजाक था, लेकिन शिल्पा ने मुझे साफ बोला था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। अभी पद्मावती को मैंने टाइगर जिंदा देखी थी सलमान की, बहुत अच्छी लग रहा था। मैं पद्मावत देखना चाहती थी और अभी तक मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है बहुत अच्छी मूवी और मैं ज़रूर देखूंगी। ओपन लेटर सी, ये सब बेवकूफ़ी है, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं कमेंट करती, क्योंकि फिल्म फिल्म होती है, रियल स्टोरी अलग होती है, फिल्म अलग चीज़ होती है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की जाती हैं। देखिए जैसी पब्लिक डिमांड होती है वैसी चीज़ बनाई जाती है, पब्लिक देखना छोड़ दे ऐसी चीज़ें, वो बनाना छोड़ देंगे ऐसी चीज़ें। बिल्कुल अक्षय आए थे फिनाले में, हम लोगों के साथ थे, उन्होंने प्रमोशन भी किया था, बिल्कुल बहुत अच्छी है, और ऐसी चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से कभी भी इन सब चीज़ों के लिए शर्माना नहीं चाहिए, और सब मैं जब माँ बनूंगी तो मैं अपने बच्चों को सारी सेक्स सारी एजुकेशन दूंगी, सब बताऊंगी अपने बच्चों को कि क्या होता है, क्योंकि ये गंदी चीज़ नहीं होती है, आपको अपने बच्चों को अवेयर रखना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए,
लड़की से लड़की हो चाहे लड़का हो दोनों ये 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 थोड़ी मेंटली जो है मेंटल जो है वो इंसान का हटाना चाहिए कि गंदी चीज़ है ये हमेशा अच्छी चीज़ होती है और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है तो सबको बताना भी चाहिए और खुल के इसको दिखाना चाहिए। अक्षय कुमार ने सभी को एक चैलेंज दिया था सैनिटरी पैड हाथ में लेके फोटो। मैं भी करने वाली हूँ वो मैं करने वाली हूँ पोस्ट आज रात में ही पोस्ट करने वाली हूँ। डेफिनेटली कर देना चाहिए क्योंकि मोस्टली जो गांव के लोग होते हैं वो शायद ये सब इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन हाँ मैं उनको अवेयर करना सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि क्या चीज़ें और मूवी भी इसीलिए बनाई गई है उनकी कि लोगों को पता चले कि क्या इस्तेमाल करते हैं। अक्षय ने जैसे पूरा ब्रीफ दिया था हम लोगों को कि क्या गाँव में क्या होता था ऐसा किया था उस बंदे ने बनाया था तो ज़रूर टैक्स कम ख़त्म करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ फ्री में बांटना चाहिए ऐसी चीज़ें थोड़ा। सो मैम मेरा एक सवाल आगे से कि अभी पिक्चर आई थी बताओ आपने देखा काफ़ी विवाद हुआ उससे लेकिन ये पिक्चर जो पास करते हैं जो भी हमारे बॉलीवुड की पिक्चर आती है ये सेंसर बोर्ड पास करता है। सेंसर बोर्ड पास करने के बाद गवर्नमेंट का काम आता है उसको थिएटर में लाना तो पब्लिक जो नाटक करते जो हंगामा करते इनको नाटक गवर्नमेंट से करना चाहिए या हमारे डायरेक्टर से करना चाहिए। गवर्नमेंट से करना चाहिए ऑब्वियसली क्योंकि वो पास ही वो लोग करते हैं लगाते हैं वो डायरेक्टर का काम है डायरेक्शन करना मूवी बनाना ना कि वो ये सब चीज़ें देखने बैठेंगे तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट से करना चाहिए ना कि डायरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। उनके ऊपर हाथ उठाया गया मैं शायद बिग बॉस में थी मुझे नहीं पता लेकिन ये बड़ी गलत चीज़ है इंसान ऐसे नहीं वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं तो थोड़ी इतनी अच्छी अच्छी मूवीज बना चुके हैं तो मेरे हिसाब से अगर नहीं देखना तो मैं बोलती हूँ थिएटर में ना जाओ मत देखो बेवजह ऐसी चीज़ें क्यों करना। एक्चुअली मैं सलमान को मैंने सुना था कि इत्र बहुत पसंद है तो वो थोड़ा सा हट गया लेकिन अभी मुझे पता चला कि उनको साबुन बहुत पसंद है तो मैं उनको बास्केट साबुन का बड़ा सा भेजूंगी और अच्छा अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ मुझे वैलेंटाइंस इन सबसे कभी कोई मेरे बॉयफ्रेंड रहे मैं बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आता इन सब चीज़ों में। मेरे अगर मूड है तो रोज़ वो है वैलेंटाइन है और अगर मूड नहीं है तो कुछ नहीं है मेरा मूड नहीं रहता मैं सब चीज़ों बिलीव आपकी बात इतनी तेज़ वाली सुनी काफ़ी। हाँ अभी हम मिलने वाले 8 बजे करीब हम लोग मिलने वाले। डेफिनेटली अभी इंशाल्लाह मेरे पास मैंने काम किया इंडस्ट्री में तो ज़रूर मैं अपना खुद का फाउंडेशन स्टार्ट करूँगी। हाँ हितेन कैप्टन है मेरे वो मेरे कैप्टन है लेकिन सही मायनों में टीवी पे मैं उसकी कैप्टन दिखूँगी। विकास ने अभी तक कुछ पैसा वैसा नहीं दिया है। विकास तुमने नहीं दिया है और जल्दी से दे दो उसके अकाउंट में आने तो वो देगा जरूर मुझे मालूम है। मैं जब वहाँ पर गई थी टास्क के लिए तो मैंने विकास को जो विन करवाया था शायद आप लोगों को याद होगा मेरा जो री एंट्री था तो विकास को मैंने 6 लाख रुपए जितवाया था तो पूरे 6 मुझे मिलना चाहिए तो उसमें ज्योति का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए वैसे लेकिन उसने कर दिया तो ठीक है दे दो और वो मेरे पैसे हैं तो ऑब्वियसली मुझे देना चाहिए उसको। डन थैंक यू सो मच।